नमस्कार बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल पर एक्सपीरियंस दी होलिस्टिक लर्निंग आज हम लोग विषय विज्ञान की बात करने वाले हैं आठवीं कक्षा के लिए तिथि ग्यारह बारह दो हज़ार बीस है तो ध्यान से सुनेगा पूरा डिटेल में आपको टॉपिक समझाया जाएगा कोई डाउट होगा तो किसी भी वर्कशीट का कोई भी डाउट हो तो आप पूछे या कोई वर्कशीट आप चाहते हैं तो वो भी बताएं पिंकी की मत बाज़ार से एक नई स्टील प्लेट लाई जैसे हमारे यहाँ नवरात्रों पर हमारे माता पिता लाते ही हैं कन्याओं को देने के लिए पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा दिख रहा था वह तुरंत रसोई में गई और उसने पुरानी थैली में अपना चेहरा देखने लगी लेकिन पुराने में नहीं दिख रहा था क्यों नहीं दिख रहा था हम सब जानते हैं कि नई वाला स्मूथ होता है सरफेस इसलिए दिख रहा था पुराने वाला ब्लर हो जाता है धीरे धीरे इसलिए नहीं दिखता है अगले दिन पिंकी ने अपने शिक्षक से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि मुझे मेरा चेहरा उस वाली स्टील प्लेट में तो दिखा और उसमें नहीं दिखा तो शिक्षक ने कहा चलो आपको विभिन्न सतह या सर्फेसेस के बारे में मैं जानकारी देता हूँ क्या जानकारी दी शिक्षक ने शिक्षक ने उसको कहा आइए परावर्तन रिफ्लेक्शन के प्रकार जानने के लिए कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे में कैसे कन्वर्ट होती है मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड बोलता हूँ हर एक चीज़ के लिए ताकि आपको आगे जाके साइंस अगर लेनी है तो तकलीफ ना हो या इंग्लिश की वॉक्यूलरी भी आपकी स्ट्रांग रहे ऊपर दि गई तालिका में ऊपर दि गई टेबल में अपनी छवि का रक्षण कर तालिका को पूरा करें ठीक है अपनी छवि देखनी है या अपनी अपनी इमेज देखनी है इन सभी में तो अगर हमने यहाँ पर देख लिया कि इसको हमने तीन नाम रख दिए ठीक है मान लीजिए प्रतिबंब जो है हमारा इमेज जो है वो साफ़ आ रही है हमने इसको कह कह दिया फिर हमने देखा धुंधला दिख रहा है तो हमने कह कह दिया यानी ब्लर्ड दिख रहा है और दिख ही नहीं रहा नॉट विजिबल है तो हमने गह कह दिया तो देखिए नई स्टील प्लेट अगर है तो उसमें हमें हमने देखा साफ दिखेगा तो वहाँ क्या जवाब होगा क यानी कि प्रतिबिंब है साफ लकड़ी के टेबल अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें नहीं दिखेगा वहाँ पर हमारा जवाब होगा ग ग में क्या लिखना है ये लिखना है दर्पण अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें जवाब मिलेगा क दिखेगा दर्पण मतलब मिरर पानी से भरी बाल्टी यानी बकेट फिल्ड विद वाटर अगर देखेंगे तो अगर पानी साफ है तो क दिखेगा और पानी अगर गंदा है तो ख दिखेगा यानी कि धुंधला दिखेगा दीवार की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें नहीं दिखेगा ग होगी हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा चिकनी टाइल्स पर हमें धुंधला दिखेगा यानी कि ग होगा ख होगा सॉरी तो ये हमारे हो गए उत्तर क्या समझ में आया कि जहाँ भी सरफेस स्मूथ है नई स्टील प्लेट पर दर्पण पर वहाँ हमें क्लियर दिखता है और जहाँ रफ है वहाँ अनकलियर दिखता है और जहाँ से रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही हो वो सारा एब्जॉर्ब कर ले कोई मटेरियल अगर किसी भी इमेज को तो वो हमें कुछ भी दिखता नहीं है जैसे वो कहेंगे परिवर्तन रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं पहला नियमित परिवर्तन नियमित परिवर्तन को समझने के लिए हमें क्या करना है नियमित मतलब ऐसा आपतित समानांतर किरणें आपतित समानांतर किरणें मतलब इंसिडेंट रे जो है वो समानांतर यानी कि पैरेलल है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पांच पांच हमारे पास आपतित किरणें हैं और पाँच है रिफ्लेक्टेड समानांतर किरणें हैं इंसिडेंट इंसीडेंटें और ये पांचों में से आपस में कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं रही है जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि पैरल लाइन या समानांतर लाइनें कभी एक दूसरे को छूती नहीं है है ना हमें मैथ में तो पढ़ाते हैं कि अगर ये ए है और ये बी है और ये दोनों पैरल लाइने तो कभी एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं दूसरा हमें क्या बात सीखनी है कि ये कहाँ हुआ था जहाँ चिकनी सतह थी यानी कि स्मूथ सरफेस था अगर खुरदरी सतह हो ऐसे तो क्या देख रहे हो आप कि जो आपातीत किरणें हैं आपातीत किरण नंबर पहली और दूसरी जो है वो जाकर जब समानांतर किरण यानी कि कन्वर्ट होती है रिफ्लेक्टेड रे में तो समानांतर है कैसे समानांतर है कि पहली और दूसरी इंसिडेंट जो हमारी रे है ये आपातित किरणें वो चौथी और पांचवी आपातित किरण से मिल रही है जुड़ रही है एक जगह पर यानी कि समानांतर नहीं है पैरेलल नहीं है तो ये दो बातें हमने है यहाँ से सीख ली अब हमें पूछा जाएगा कितने प्रकार के होते हैं तो हम बता देंगे कि जब भी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से या जैसे कि हमने इसमें देखा टकराती है होने के पश्चात तो समानांतर होती है ऐसे को नियमित कहते हैं नई स्टील प्लेट में यही होता है जिसमें चेहरा स्पष्ट दिखता है जब किसी अनियमित सतह या खुर्द्रित सतह पर समान्तर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती यानी कि एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित कहते हैं पुराने स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परिवर्तन होता है अनियमित मतलब इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और नियमित मतलब रेगुलर डिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का जो नियम अपने इससे पहले वाली वर्कशीट में कार्यपत्रक में पढ़े थे वो फॉलो होते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगी जितना इमेज आगे जाएगी उतना ही बैकग्राउंड में वर्चुअल इमेज भी आगे आ जाएगी पारावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती हैं यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है अब हम आगे बात करते हैं कि हमें कोई चीज़ दिखती कैसे है तो दो तरीके से जैसे सूरज हो गया तो उनका तो खुद का या मोमबत्ती होगी उनका खुद का लाइट होता है उनके पास प्रकाश होता है लेकिन जैसे चांद हो गया तो चांद को प्रकाश सूरज से मिलता है फिर वो हमें दिखता है तो दो चीज़ हो सकती है कि लाइट रूम में जली किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी फिर वो हमें दिखाई नहीं पहले लाइट ऑब्जेक्ट पे गई फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर पारिवर्तित तो होकर हमारे पास आई या जो लाइट है उसको देख रहे हो तो लाइट की तो सीधी आपकी आँखों पर रोशनी आ सकती है तो आपको चारों तरफ इसी वजह से चीज़ें दिखती हैं वो आपको बताएंगे कि जो पिंड दूसरी वस्तुओं के द्वारा यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं एल्यूमिनेटेड या प्रदीपत पिंड कहते हैं स्वयं का प्रकाश जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनको क्या कहते हैं दीपत पिंड या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं जब इनका प्रकाश नेत्र पर पड़ता है तब हम देख पाते हैं कि इनको दीपत पिंड को जैसे सूर्य की मोमबत्ती विद्युत लैंप वगैरह जो है ये हो गया और प्रदीपत पिंड में कौन हो गया जैसे मैंने आपको बताया मून हो गया ठीक है अब स्वयं को जाँचने के लिए कह रहा है वो आपको कह रहा है विस्तृत परिवर्तन किसे कहते हैं तो भाई ये तो बहुत ही आसान है पहले सवाल का जवाब विस्तृत परिवर्तन किसे कहते हैं जब से लेकर और हमें मार्क कर देना है यहां तक यह हो जाएगा पहले सवाल का जवाब दूसरा सवाल उसने हमसे पूछा पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर स्पष्ट प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखता तो यहां से ले लेंगे हम क्योंकि उसमें ऐसा परिवर्तन होता है इस वजह से चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता बल्कि इसको यहां से ले लेते हैं और छोटा कर लेते हैं आंसर को तो भी हमारा काम चल जाएगा दूसरा आंसर तीसरा आंसर है ये आपको विस्तृत और नियमित पारिवर्तन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है तो कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे भाई? कि परिवर्तन जो होता है नई स्टील प्लेट उसमें स्पष्ट चेहरा दिखता है और दूसरे वाली में स्पष्ट दिखता है तो यह अंतर है दोनों का दूसरा क्या कह सकते हो एक नियमित सरफेस पर आता है एक दूसरे पर आता है रेगुलर सरफेस पर तो यह हमारा हो जाएगा आंसर नंबर तीन चौथा सवाल क्या पूछा उसने हमसे उसने हमसे चौथा सवाल पूछा कि दीपक पिंड किने कहते हैं तो दीपक पिंड किने कहते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है इसके दो ऑप्शन क्या है सूर्य और मोमबत्ती की ज्वाला ये हो गया आंसर नंबर चार पांचवा सवाल है नियमित परिवर्तन कराने वाले दो सतहों के नाम लिखिए नियमित मतलब कि रेगुलर जिसमें इमेज क्लियर दिखे तो यहाँ पे दो नाम लिख देने हैं आपको नई स्टील की प्लेट और दर्पण ये दोनों लिख देने हैं ये होगा आंसर नंबर पांच तो वही बच्चों इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी कार्यपत्र